नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिवानी। क्या आपको पता है फिल्म कलाकार के देहांत के बाद उनके द्वारा की जाने वाली अधूरी फिल्म कैसे पूरी की जाती है? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूं इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें। वैसे तो कलाकार के देहांत के बाद उनके द्वारा की गई अधूरी फिल्म को पूरा करना निर्देशकों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन फिर भी फिल्म इंडस्ट्री वाले हर बार कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। बीते वर्ष सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाने की वजह से दिल बेचारा फिल्म से जुड़े लोगों को काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। आखिर में उन लोगों को फिल्म का आखिरी हिस्सा बदलकर फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालना पड़ा। और भी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें ऐसी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ हिंदी सिनेमा जगत की ऐसी ही कुछ फिल्मों के बारे में। पिछले ही साल दिल का दौरा पड़ने से ऋषि कपूर की मौत हो गई, जिस कारण उनकी फिल्म शर्मा जी नमकीन को लेकर मुश्किलें खड़ी हो गई थी। काफ़ी माथापच्ची के बाद फिल्म को पूरा करने का रास्ता निकल कर आया है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में अपना किरदार कर रहे परेश रावल अब ऋषि कपूर का भी किरदार निभाएंगे। आपको बता दूं कि कुछ हिस्सों में VFX तकनीक का सहारा लिया जाएगा, ताकि किसी और को भी देखकर लोगों को ऐसा लगे कि पर्दे पर ऋषि कपूर ही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस फिल्म को सितंबर में पर्दे पर लाया जा सकता है। इसी तरह सुपरस्टार राजेश खन्ना के देहांत के बाद उनकी फिल्म रियासत को भी सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की तरह जैसे तैसे पूरा किया गया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना का किरदार ही गायब कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर संजीव कुमार की फिल्म प्रोफेसर की पड़ोसन में भी ऐसा ही कुछ आजमाया गया था, लेकिन सुशांत की फिल्म दिल बेचारा में बातें काफ़ी हद तक छिप गई थी, क्योंकि लोगों को पता था कि आगे किरदार में क्या होना है। वैसे तो छोटे मोटे किरदारों पर माला चढ़ाकर फिल्म की कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां संभालनी तब मुश्किल हो जाती हैं जब बड़े किरदार गायब हो जाते हैं। और यही मुश्किलें मधुबाला के देहांत के बाद फिल्म ज्वाला में उनके निर्देशकों को झेलनी पड़ी थी। और अब हम बात करते हैं कराटे के सुपरस्टार ब्रूस ली की फिल्म गेम ऑफ डेथ की। तो मैं आपको बता दूं, हॉलीवुड वालों ने उनके जैसे कद काठी वाले कलाकार को लेकर वो फिल्म पूरी की थी। आज के लिए बस इतना ही। बॉलीवुड से जुड़े खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।